हेलो एवरीवन, आई एम उषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग सॉल्यूशन। आज हम बनाएंगे एक ऐसी इंडो चाइनीज रेसिपी जिसमें कि हम बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। सर्दियां हैं, विंटर्स है और बहुत सारी सब्जियां जो है हमारे लिए अवेलेबल है। तो चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म वेजिटेबल स्टर फ्राई इन हॉट गार्लिक सॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टर फ्राई वेजिटेबल्स इन हॉट गार्लिक सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और गैस जला ली है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। 2 चम्मच हमने यहाँ पर तेल डालना है। 2 चम्मच हमने तेल ऐड कर दिया। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम सफ़ेद और काले तिल, 1-1 चम्मच हमने लिए हैं, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। तिल जो है अच्छे से तड़कने लगे हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन। यहाँ पर हमने 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हैं और इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक बात हमने ध्यान रखना है, लहसुन को हमने ब्राउन करना है, अच्छे से भूनना है इसको। लहसुन अच्छे से भून गया है, इसे हमने कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अदरक। 1 चम्मच अदरक ली है, 1 इंच के करीब। इसको कट कर लिया है अच्छे से और अच्छे से इसको मिला लेंगे। ध्यान रहे हमारे जो ये मसाले हैं ये जले नहीं, तो फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिली। अब मिर्ची जो है, रेड चिली जो है, होल चिली हमने यूज़ की है, एक ही यूज़ की है मैंने यहाँ पर, और एक हरी मिर्च यूज़ की है। तो आप अपने हिसाब से रेड चिली और ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है और इसको मोटा मोटा काट लिया है, और इसके पेटल्स जो है, पंखुड़ियाँ जो है, अलग अलग कर ली है और इसे ऐड कर देंगे। अब प्याज को जो है हमने ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसे हमने सॉटे करना है। और इसमें ऐड करेंगे हम कुछ सब्जियाँ। सब्जियाँ जो है आप अपने पसंद से ले सकते हैं। सबसे पहले हम वो सब्जियाँ ऐड करेंगे जिसे पकाने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हम ऐड करेंगे फूलगोभी। सब्जियों की मात्रा अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर हम ऐड करेंगे ब्रोकली, ऐड करेंगे गाजर और बेबी कॉर्न। यहाँ पर बेबी कॉर्न को भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट तक इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये सब्जियाँ जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। 1 मिनट तक हमने इन सब्जियों को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम वो सब्जियाँ जिसे पकाने में कम टाइम लगता है, जैसे कि हमारी ये सारी शिमला मिर्च है, लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च, और बीन्स है, पनीर है, पनीर को हम बाद में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम बीन्स। इसके बाद ऐड करेंगे हम हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च। इसको अच्छे से मिला लेंगे। नमक हमने अभी ऐड नहीं करना है। और इसे चलाते हुए हम दोबारा से 1 मिनट के लिए इन सब्जियों को पका लेंगे। चलाते रहेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ सॉसेस। सबसे पहले ऐड करेंगे सोया सॉस, 1 टीस्पून। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इनको काला हो जाएगा हमारी सब्जी का कलर, तो कलर को हमें रेड रखना है। इसके बाद ऐड करेंगे रेड चिली सॉस, 2 चम्मच, और ऐड करेंगे शेजवान सॉस, 1 चम्मच, और इसके बाद ऐड करेंगे
टोमेटो केचप 2 चम्मच, इसे अच्छे से मिला लेंगे। सॉसेज को सब्जियों में अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो सॉसेज का फ्लेवर है, जितनी भी सॉसेज हमने डाली है उसका फ्लेवर जो है सब्जियों में अच्छे से आ जाए। अच्छे से मिलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है सॉसेज की और ये सारी सॉसेज जो है सब्जियों में अच्छे से मिल गई है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है ये। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 ग्लास पानी। और अच्छे से मिला लेंगे। पानी हमने इतना डालना है कि हमारी सब्जियां जो है इसमें अच्छे से डूब जाए, कम भी नहीं होना चाहिए पानी। अब इसे हम 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। 4 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार। जितनी भी सॉसेस हमने डाली थी उन सब में नमक था, तो नमक अपने हिसाब से चेक करके डालना है। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चीनी। यहाँ पर हमने बहुत सारी सॉसेज यूज़ की है तो जो खट्टापन है उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी चीनी ऐड कर रहे हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्न फ्लोर। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर लिया है और उसमें ठंडा पानी डाला है और अच्छे से इसकी एक स्लरी बनाई है, इसका घोल बनाया है। अब इस घोल को हम धीरे धीरे जो है इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अच्छे से मिलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर से जो है सब्जी में हमारा जो है गाढ़ापन आएगा। और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे और गाढ़ा कर लेंगे। गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 मिनट तक इसे हमने चलाते रहना है। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ गया है और ये गाढ़ी हो गई है। और इसमें ऐड करेंगे हम पनीर। पनीर को हमने सबसे बाद में ऐड करना है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। 5-7 सेकंड के लिए इसे हम इसमें रख देते हैं पनीर को, ताकि पनीर में भी सारे फ्लेवर जो है अच्छे से मिल जाए। गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम गार्निश करते हैं स्प्रिंग अनियन से। अब इसकी कर लेंगे हम प्लेटिंग। रेडी हमारी वेजिटेबल स्टर फ्राई इन हॉट गार्लिक सॉस। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।